नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज चैनल, जो सच वही खबर के साथ मैं पंकज कुमार कर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 के कांग्रेस के बिहार के संगठन मंत्री एवं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुनेश्वर यादव ने दरभंगा आयुक्त निर्वाचित प्राधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में आज तक स्नातक क्षेत्र से निर्वाचित हुए प्रतिनिधियों ने स्नातक धारियों को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्नातक समेत किसान, मजदूर, नौजवान, छात्रों को ठगने का काम नेताओं ने किया है। अगर मुझे मौका मिला तो बेरोजगार स्नातक के लिए एक बड़ी अवसर प्रदान करने का प्रयास रखूंगा। यादव ने कहा कि बिहार में 47% से अधिक बेरोजगारी हो गई है। बिहार में कोई ठोस और अच्छा या युवा नेता नहीं रहने के कारण बेरोजगारी दूर करने में सरकार बिल्कुल विफल रही है। इस दिशा में नई विचार, नई सोच, दृष्टि, दर्शन, विचार विमर्श अनिवार्य है। समस्या है जो बिहार में जो युवा नीति नहीं है, शिक्षा नीति नहीं है, बेरोजगारी 47% है इसके लिए, और पूरे देश में 24% बेरोजगारी है। इसलिए बेरोजगारों की समस्या को उठाने के लिए मैंने अपना नामांकन दाखिल किया।